देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे क्यों WFI चीफ ब्रजभूषण सरन सिंह बोले, क्या मैं रावण हूं, सबूत दिखाएं पहलवान। साथ ही हम जानेंगे कर्नाटक में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक की क्यों उठने लगी है मांग। मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने क्या की है राष्ट्रपति से मांग। और अंत में हम जानेंगे परिवारवाद पर कांग्रेस को झटका देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कही बड़ी बात। फिलहाल वीडियो की शुरुआत से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने बरसाए फूल। WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंत्र मंत्र पर बड़ा प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हजारों किसान, दिल्ली पुलिस मुस्तैद। पीएम मोदी के कर्नाटक में प्रचार करने पर लगे रोक, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले बजरंग बली के नाम पर कर रहे हैं राजनीति। मणिपुर हिंसा ने अब तक निगली 54 जिंदगियां, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, राज्य की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने की अपील। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एटीएम, गृह मंत्री अमित शाह बोले मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी बीजेपी। पीएम मोदी बन गए प्रचार मंत्री और हेमंत शर्मा से ज्यादा लालची आदमी कोई नहीं, कर्नाटक में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत ने सरकार को चेताया, दिल्ली में पानी दूध की सप्लाई बंद करने की दी धमकी। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा, बदायूं में परिवारवाद पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहलवान साक्षी मलिक का दिल्ली पुलिस पर नया आरोप, मजिस्ट्रेट के सामने ही देना चाहती है बयान, विनेश फोगाट ने भी खा पंचायतों से की खास अपील। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसानों ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को समर्थन देने की घोषणा की है। इसके तहत पहलवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं और ब्रजभूषण सरन सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसी उम्मीद है कि पहलवानों के प्रदर्शन के सिलसिले में जंतर मंत्र पर महापंचायत आयोजित की गई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और जंतर मंत्र के पास पहलवानों का धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। WFI सुप्रीमो ब्रजभूषण सरन सिंह पर महिला एथलीटों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। WFI प्रमुख ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। जानकारी के अनुसार सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने करीब 300 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया है। बाहरी दिल्ली में पुलिस ने 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सभी वाहनों पर भी नजर रख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायत संप्रदाय के एक शक्तिशाली समूह वीशैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए एक ओपन लेटर जारी किया है। फोरम ने लिंगायत समुदाय के सदस्यों से चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया है। लिंगायत समुदाय बीजेपी का एक पारंपरिक वोट बैंक रहा है और 1980 के दशक से पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा, जो समुदाय से हैं, ने लिंगायत समर्थन और आधार विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया था। हालांकि येदियुरप्पा को दरकिनार किए जाने और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेठार को अपने गढ़ हुबली से सीट देने से इनकार करने के बाद यह समुदाय बीजेपी के खिलाफ गुस्से में है। वहीं जगदीश सेठार ने खुले तौर पर आलोचना करते हुए कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जो एक संदेश है कि बीजेपी लिंगायत समुदाय के पार्टी पर प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। लिंगायत कर्नाटक में 17% ताकत के साथ एक शक्तिशाली समुदाय है और राज्य में अब तक 9 लिंगायत मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस नेता समनूर, शिव शंकरप्पा और जगदीश सेठार ने हुबली में लिंगायत समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते संगमंथा मंदिर का दौरा किया था, जो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवेश्वर की पवित्र समाधि है, जिसे बसवन्ना के नाम से भी जाना जाता है। 10 मई को चुनाव के साथ शक्तिशाली लिंगायत संप्रदाय के एक वर्ग द्वारा दिए गए समर्थन ने कांग्रेस को भारी बढ़ावा दिया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान मोजा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक इसका असर 8 मई आज से देखने को मिलेगा। 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है।
वहीं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिम हिमालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हिमपात की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के साथ ही पश्चिम बंगाल के सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा है। राज्य में SDRF और NDRF को आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह देते हुए कहा है कि 8 से 11 मई के दौरान समुद्र में ना जाएं। वहीं जो लोग समुद्र के अंदर हैं, उन्हें लौटने को कहा गया है। ये तो थी आज की कुछ मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।